क्या कर रहे हो ये? शेविंग कर रहा हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं है कि आज बृहस्पतिवार है, आज शेविंग नहीं करते हैं? अरे यार करने दो, ऑफिस जाना है, अभी आधा कर चुका हूँ। नहीं नहीं साफ करो ये सब। अरे यार ऑफिस में क्या कहेंगे सब? अरे ऑफिस में भी सबको पता है कि बृहस्पतिवार के दिन शेविंग नहीं करते हैं, साफ करो। अरे यार अरे क्या कर रहे हो? नाखून काट रहा हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं आज शनिवार है, आज के दिन नाखून नहीं काटते हैं, कल काटना। अरे यार आज छुट्टी है मेरी, काटने दो, तुम्हारा तो शनिवार रविवार ही नहीं खत्म होता है। हट। नहीं नहीं आज नहीं काटना है, कल काटना। अरे यार ना। अरे तुम कोई छोटे से बच्चे हो क्या? तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है कि बेड पर बैठकर पैर हिलाने से कितना अशुभ होता है? तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ गया है, तुम्हें तो भगवान पे भी भरोसा नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है दक्षिण की तरफ मुकर के खाना नहीं खाते हैं? नो 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 नो। अब ये क्या है, चमगादड़ की तरह उल्टे लटक कर खाना खा रहे हो? अरे टेबल ले लो, उसमें थाली रख लो, आराम से खाना खाओ ना। अरे यार क्या है ये, दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना मत खाओ, बृहस्पतिवार को ये मत करो, शनिवार को वो मत करो, इतवार को ये मत करो, पागल कर दिया है तुमने। अभी इधर तो मुंह करके खा रहा हूं पूरा की तरफ। अरे रुको रुको, अभी ऑफिस 10 मिनट के बाद जाना। क्यों? अरे अभी 10 मिनट तो यात्रा का योग नहीं है। अरे मैं किसी यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे नहीं नहीं यार अभी राहु काल चल रहा है, बैठ जाओ ना 10 मिनट तक। अरे यार ये तुम्हारा राहु काल ऑफिस के लिए नहीं लागू होता है, समझ गई? ऑफिस रोज आना जाना होता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बैठ जाओ ना प्लीज, 10 मिनट की बात है बस। अरे यार मुझे देर हो जाएगी, वहाँ बॉस मेरा मेरे लिए राहु और केतु बन के पैदा हो जाएगा, समझ नहीं रही हो तुम? तुम्हारे इस राहु केतु के चक्कर में ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। खत्म हुआ तुम्हारा राहु काल? हाँ हो गया 10 मिनट, अब जाओ ऑफिस, अच्छे से जाना ठीक है। अभी ना 12 मिनट के बाद घर के अंदर आना। क्यों 12 मिनट बाद क्यों? अरे आज मेरे राशिफल में है कि 5 बजे मेरे घर पे कोई मेहमान आने वाला है और 5 बजने में भी 12 मिनट बाकी है। अरे मैं इस घर में मेहमान थोड़ी हूँ, ये तो मेरा घर है। अरे कुछ नहीं, बोला है ना 12 मिनट बाद, तो 12 मिनट के बाद अंदर आना बस। अच्छा तो 12 मिनट यहाँ खड़े खड़े क्या करूँ? अरे तो कुछ भी बताओ 12 मिनट तक। और कैसा रहा तुम्हारा दिन? कुछ नहीं बताना है मुझे, ऐसे खड़ी रहो 12 मिनट में खड़ा रहूंगा। हाँ ठीक है खड़े रहो। चलो आ जाओ अंदर। कहाँ जा रहे हो? मैं गांव जा रहा हूँ। अरे अभी गांव नहीं जा सकते हो, अभी परिवार के साथ यात्रा करने का कोई योग नहीं है। मैं परिवार के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं अकेला गांव जा रहा हूँ। क्यों? ऐसा है मैं गांव जाऊंगा, वहां मैं अपने हिसाब से रहूंगा, कब मुझे खाना है, कैसे मुझे खाना है, किधर मुंह करके खाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कब मैं अपने काम पे जाऊंगा, कब काम से लौट के आऊंगा, ये सब मुझे वहां नहीं देखना पड़ेगा। तुम अपने राहु केतु इतवार बृहस्पतिवार सोम मंगल के साथ यहाँ पर आराम से रहो, समझ गई? रहो तुम आराम से। अरे ये सब बात मैं खुद से नहीं कहती हूँ, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र में लिखा है जरा बताओ? अरे मोबाइल के ग्रुप में आता रहता है ये सब शास्त्रों की बातें। हाँ ये सब मोबाइल शास्त्र में लिखा है, सोशल मीडिया पर लोग ग्रुप बनाकर दिन भर ठेलते रहते हैं कि इस दिन बाल मत काटो, इस दिन नाखून मत काटो, इस दिन शेविंग मत करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत जाओ, ये राहु काल ये केतु काल, पता किसी को नहीं है, बस ज्ञान बांट रहे हैं मोबाइल पे। अरे पहले अध्ययन करो फिर ज्ञान बांटो, ऐसे मोबाइल में पढ़ के ज्ञान मत बांटो, समझ गई? ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके बारे में पहले समझो, ऐसे जाओ ऐसे आओ, अब करो अब खाओ। जब ये शास्त्र पुराण लिखे गए थे ना, तब शायद शास्त्र और पुराण लिखने वालों को भी अंदाजा नहीं होगा कि आने वाले समय में आदमी एक कमरे के घर में रहेगा। अब उसी कमरे के घर में
एक तरफ किचन है, उसी में टॉयलेट बाथरूम है, उसी में बिल्डर ने जहां नल लगा दिया उधर ही नल लगा है, जिधर दरवाजा कर दिया तो उधर ही दरवाजा लगा है, आपने बनाया नहीं है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, हाँ? जो जैसा मिला है वैसे अच्छे से रहो, खाओ पियो और समाज के काम आओ, ये फालतू की दकियानुसी विचारों से दूर रहो। मैं तो समझ गई, क्या आप समझे? सारे दिन सारे मुहूर्त भगवान के बनाए हुए हैं, अच्छे कर्म करिए, वो किसी भी दिन करिए और किसी भी मुहूर्त में करिए।